हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो सो गाइस, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त ही होंगे। तो सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीवी फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा, ठीक है ना, और एकदम भाई रियल दिखाऊंगा, ठीक है ना। सब कुछ मैं रियल करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई सीवी फोटो एडिटिंग आखिर होता कैसे, ठीक है ना। मुझे देखो, आप लोग जो ना वीडियो को स्किप कर करके देखते हो ना, और वीडियो को मतलब पूरा कंटिन्यू नहीं देखते हो ना लास्ट तक, तब आप लोगों को समझ में नहीं आता है, और फिर मुझे कमेंट करते हो कि भाई, मुझे कमेंट करते हो कि समझ में नहीं आया अभिषेक भाई। तो आप जो है ना, एक काम करो प्लीज़ यार, आप जो है ना शुरू से लेके लास्ट तक एक बार वीडियो को देखो, फिर मुझे बताना कि भाई समझ में नहीं आया। तो उससे पहले मैं अभी कुछ और बोलूँगा, सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूँ भाई, ये देख सकते हो, ये मतलब हमारा बिफोर का फोटो है, ठीक है ना। एंड भाई, मैंने इसी पिक को एडिट किया ना, तो यहाँ पे देख सकते हो भाई, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, कितना एकदम गजब का पिक लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, एंड यहाँ पे भाई इसका मतलब फेस देख सकते हो कितना वाइट है, एंड यहाँ पे कलर, एंड यहाँ पे पूरा मतलब जो भी है ना भाई, सीवी टाइप में मैं एडिटिंग किया हूँ, ठीक है ना। और भाई आप लोग मतलब एक ज़िंदगी में सीख लो कि भाई दूसरे से जो है ना करने, मतलब दूसरे से ज़्यादा करने की कोशिश में रहो। अगर वो बंदा अगर जो जैसे मैं यहाँ पे 4 मिनट में आप लोगों को बता देता हूँ, तो आप लोग जो है ना 5-6 मिनट 6-7-8 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है ना। जितना टाइम अगर दोगे ना अपने पिक में, उतना अच्छा से एडिटिंग होगा, ठीक है ना। बस मैं आप लोगों को रास्ता बताता हूँ, ठीक है ना। बस चलना आप लोगों को ही है, मुझे नहीं चलना, ठीक है ना। मैं बस ये बता देता हूँ कि भाई ये करना, ये करना, वो करना, ठीक है ना। बाकी बात चलना आपको ही है, ठीक है ना। मैं जैसे मैं आपको समझ में मतलब समझा रहा हूँ, आप लोग मुझे आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो भाई हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग सीधे चलते हैं वीडियो की ओर। एंड आपको सीवी फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा, ठीक है ना। शुरू से लेके लास्ट तक देखना भाई, ठीक है ना। शुरू से लेके लास्ट तक, अब कहीं पर भी स्किप नहीं करना, ठीक है ना। एंड भाई चलते सीधे वीडियो की ओर, लेट्स गो। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बन रहेगा, ओके भाई। तो भाई सो गाइस, हम लोग भाई इसी पिक को एडिटिंग करेंगे सबसे पहले। तो भाई कुछ नहीं करना, ठीक है ना भाई, इसको मतलब शेयर कर लेना यहाँ पे, मैं जैसे बता रहा हूँ आप लोग मतलब ध्यान से देखिएगा, एकदम मस्त तरीके से देखिएगा, ठीक है ना। तो भाई कुछ नहीं करना, आपको क्या करना भाई, लाइटरूम एप्लीकेशन में इस पिक को क्या करना भाई, ऐड करना, शेयर कर लेना, ठीक है ना। एंड भाई यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि भाई ये देख सकते हो, लाइटरूम एप्लीकेशन, ओके। तो भाई आपको क्या करना, इसको ओपन कर लेना, देन यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, एंड आप लोग भी ओपन कर लीजिएगा, ठीक है ना। एंड ये देख सकते हो मतलब हमारा पिक आ गया। एंड भाई ये प्रीसेट है, ठीक है ना, ये जो देख रहे हो भाई, ये मैं आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो भाई, इसे बोलते हैं प्रीसेट, ठीक है ना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप लोग जाकर क्या करना, इस प्रीसेट को डाउनलोड करना एंड अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में इंपोर्ट करना, ठीक है ना। एंड इंपोर्ट करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इस प्रीसेट को कॉपी सेटिंग कर दीजिएगा, ठीक है ना। एंड भाई जिसको कॉपी सेटिंग करना नहीं आता, मैं कल ही एक वीडियो अपलोड किया हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हो भाई कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है ना, ओके। तो एंड यहाँ पे मैं कॉपी कर लिया हूँ, एंड अपने ओरिजिनल वाले पिक पे आ जाना है, ठीक है ना। एंड वहाँ पे हम लोग कॉपी किए थे ना, यहाँ पे हम लोग 3 डॉट पे जाके यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे ना भाई, पेस्ट सेटिंग कर देंगे सिंपली, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो आपको भी पेस्ट यहाँ पे सेटिंग कर देना, ये नहीं करना कॉपी नहीं करना है, पेस्ट सेटिंग करना भाई। यहाँ पे मैं एकदम मस्त तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, मतलब कितना एकदम फेस देख सकते हो, ठीक है ना। कपड़ा को छोड़ो, एंड यहाँ पे बैकग्राउंड को छोड़ दो, ठीक है ना। मैं आपको सिखाऊंगा कि बैकग्राउंड कैसे बनता है, एंड कपड़ा कलर कैसे होता है, एंड फेस स्मूथ कैसे होता है, एंड मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना मेरी जान। आप लोग बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड इसको ओके कर देना। लाइटरूम एप्लीकेशन का होता है खेल खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, पिक्सट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे सिंपली, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई, पिक्सट एप्ली, यहाँ पे पिक्सट एप्लीकेशन ओपन हो गया। एंड यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ओपन करने के बाद इफेक्ट्स पे क्लिक कर देना। क्या करना, इफेक्ट्स पे क्लिक करना, देन यहाँ पे आपको आर्टिस्ट पे क्लिक करना, ध्यान से देखिएगा, आर्टिस्ट पे क्लिक करना। एंड यहाँ पे आपको फैदल 1 पे एक बार आपको टैप कर देना, ठीक है ना। एंड भाई टैप करने के बाद इसको शून्य कर देना, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आपको कलर ब्राउन पे क्लिक कर देना, ओके। कहाँ पे क्लिक करना, कलर ब्राउन पे। एंड यहाँ पे आपको ऊपर में इरेजर वाले ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे मैं ये देख सकती हूँ, यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा ना, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये देख सकते हो, आपको अपने स्किन पे से, हाथ पे से, फेस पे से, एंड यहाँ पे आपको हटा लेना, एंड यहाँ पे आपको कपड़ा पे से भी हटा लेना, ठीक है। बाकी बात भाई बैकग्राउंड पे रहेगा। तो भाई मैं यहाँ पे हटा लेता हूँ अपने स्किन पे से, हाथ पे से, एंड कपड़ा पे से, एंड ऐसे हटा लेता हूँ। आप लोग भी मतलब अच्छा से हटा लीजिएगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा, ठीक है ना।
अब बाकी बात यहाँ पे बैकग्राउंड पे रहेगा, मैं यहाँ पे कोई भी वीडियो को फास्ट नहीं करने वाला हूँ, आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई यहाँ पे हो रहा है। एंड आप लोग देखो, मैं एक बार बताया था ना भाई, जितना अगर समय दोगे ना उतना एकदम गजब का पिक बनेगा, एकदम मस्त पिक बनेगा मेरी जान, ठीक है ना। बस मैं आप लोगों को बताता हूँ, चलना आप लोगों को ही है। ओके, तो भाई यहाँ पे देख सकते हो भाई, मैं यहाँ पे एकदम गजब तरीके से मैं यहाँ पे हटा दिया हूँ। एंड आप लोग भी हटा लीजिएगा। एंड इतना करने के बाद यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड भाई हम लोग वही काम करेंगे जो हम लोग अभी किए थे जस्ट नाउ, वही काम करेंगे। इरेजर पे जाएंगे, सॉरी कलर ब्राउन पे जाएंगे, एंड इरेजर पे जाएंगे एंड अपने फेस पे से हटा लेंगे, ठीक है ना। जस्ट नाउ हम लोग जो काम किए थे वही करना, ठीक है ना। बस यहाँ पे वही काम करना, अपने स्किन पे से हटा लेना एंड वही अप्लाई करना, ठीक है ना। एंड यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा फास्ट कर दिया, नहीं तो भाई कितना बार, अगर आप तो समझ ही गए होंगे एक बार, ठीक है ना। तो भाई करना आप लोगों को ही है एकदम मस्त तरीके से। एंड वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। एंड इतना करने के बाद भाई हम लोग क्या करेंगे, इस पिक को यहाँ पर डन कर देंगे, राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। एंड इतना करने के बाद हम लोग ड्रॉ वाले टूल्स पर आ जाएंगे। एंड यहाँ पे थ्री डॉट पे आप लोगों को क्लिक कर देना, ऊपर में देख पा रहे होंगे। एंड यहाँ पे सेव कर लेना अपने पिक को, ठीक है ना। एंड भाई सेव करने के बाद यहाँ पे आपको फोटो रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, देन यहाँ पे अपने पिक को इंपोर्ट कर लेना, ठीक है ना। एंड यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्कैनिंग लेगा, हल्का सा वेट कीजिएगा। एंड भाई वेट करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा ना, यहाँ पे आपको ब्लर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये देख सकते हो, ये ब्लर वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्या करना भाई, क्लिक कर देना, ओके। एंड भाई इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग हल्का सा नीचे आ जाना। एंड यहाँ पर आपको बैकग्राउंड पर अप्लाई कर देना। एंड यहाँ पर आपको ब्लर पर क्लिक कर देना, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो भाई आप लोग ब्लर पे क्लिक कर देना। एंड ब्लर पे क्लिक करने के बाद आप लोग जितना भी, अगर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 50 के आसपास या 45 के आसपास इतना ब्लर आप लोग रख सकते हो, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आपको एडजस्ट पे जाना। एंड यहाँ पे आपको सैचुरेशन को सिलेक्ट करना। एंड इसको क्या करना भाई, फुल कर देना, ठीक है ना, ओके। एंड इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे भाई, सेव कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। 77 रहने देना, ठीक है ना। एंड यहाँ पे हम लोग सेव कर लेते हैं अपने पिक को अपनी गैलरी में, ठीक है ना, सेव टू गैलरी। एंड भाई किसका कॉल आ रहा है, ओके, इग्नोर करना, ठीक है, ओके। एंड भाई हम लोग फिर से पिकसट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ठीक है ना। दोबारा हम लोगों को क्या करना है, पिकसट एप्लीकेशन को ओपन करना है, देन यहाँ पे अपने पिक को इंपोर्ट कर लेना, ठीक है ना। भाई मैं जो स्टेप बता रहा हूँ आप लोग मतलब बारीकी से देखिएगा, ओके। एंड भाई इसको ओपन करने के बाद अपने पिक को इंपोर्ट कर लेना। एंड यहाँ पे आपको भाई क्या करना है, ऐड फोटो पे चले जाना है, ठीक है ना। एंड भाई जो हम ब्लर नहीं किए थे, ब्लर से पहले वाला पिक को उठाना, ठीक है ना, ऐड करना। यहाँ पे देख सकते हो, ब्लर से पहले वाले पिक को ऐड करना, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एंड भाई ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको ये व्हाइट वाला दिख रहा होगा, इसको मतलब इसी साइज में कर देना, ठीक है ना। यहाँ पे घिंच कर इसी साइड में आप लोगों को कर देना। एंड यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, इरेजर वाले टूल्स पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे देन यहाँ पे आपको इन्वर्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। एंड भाई इन्वर्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हो ये, इसको मतलब रिमूव कर देना, ठीक है। जहाँ पे मेरा हाथ है तब ना भाई, हाँ रियल लगेगा, पहले फेक लग रहा था, ठीक है ना, अब थोड़ा सा रियल लग रहा है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे फोटो रूम एप्लीकेशन भाई, इसका लोगो हम लोग मिटाएंगे, आप लोग टेंशन ना लो। एंड इतना करने के बाद यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये फोटो रूम एप्लीकेशन है ना भाई, इसको हम लोग रिमूव करेंगे। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर आ जाना। एंड भाई इस पर आने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, आर्टिस्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आर्टिस्ट पर आप लोगों को क्लिक कर देना। देन इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। एंड इसको सिन्यू मतलब जीरो कर देना, ठीक है, मल्टीपल सेलेक्ट करना है इस बार। एंड यहाँ पे जीरो कर देना है, मल्टीपल सेलेक्ट करना, ठीक है ना, कलर ब्राउन सेलेक्ट नहीं करना है, ओके। एंड इतना करने के बाद यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, इन्वर्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। देन यहाँ पर आपने क्या करना, कपड़ा पे अप्लाई करना, ठीक है ना, ओनली फॉर कपड़ा पे। एंड यहाँ पे पैंट पे, फेस पे नहीं करना एंड बैकग्राउंड पे नहीं करना, ओनली फॉर कपड़ा पे करना अप्लाई। इससे क्या लगेगा भाई, एकदम सीवी टाइप में हमारा फोटो भी लगेगा एंड कपड़ा भी लगेगा, ठीक है ना, एकदम मस्त तरीके से, एकदम न्यू, ठीक है ना। तो आप लोग मतलब मस्त तरीके से यहाँ पर कर लीजिएगा भाई, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। एंड भाई आप लोगों को मतलब सपोर्ट नहीं मिल रहा ज़्यादा, तो भाई आप लोग मतलब वीडियो को देख लेते हो और चले जाते हो भाई, लाइक भी नहीं करते भाई, लाइक कर दो। एंड चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो भाई, ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ, एकदम मस्त तरीके से मैं बारीकी से बताता रहता हूँ, ठीक है ना,
कि कैसे एडिटिंग करते हैं। ओके, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट करने में क्या जाता है भाई, ठीक है ना, एक प्यारा सा भी अभी कर दो भाई, अभी कर दो एक कमेंट एंड लाइक तो भाई कर ही देना। ओके, एंड भाई इतना करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, एंड भाई हम लोग उसी टूल्स का प्रयोग करेंगे एंड यहाँ पे सेव कर लेंगे अपनी गैलरी में पिक को। ओके, ड्रॉ टूल्स पे जाने के बाद, ओके, एंड इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, स्नैपशीट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओके, एंड भाई इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे भाई फोटो रूम एप्लीकेशन है ना, इसको मतलब लोगो है ना, इसको हम लोग रिमूव करने के लिए यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करेंगे एंड हीलिंग पे क्लिक कर देंगे, एंड यहाँ पे इसको जूम करके यहाँ पे कुछ स्टेप से इसको क्या करेंगे भाई, मिटा देंगे। यहाँ पे देख सकते हो चुटकी में मिट गया, चुटकी में, ठीक है ना। एंड भाई इतना करने के बाद हम लोग टूल्स पे जाएंगे। ओके, एंड भाई सिलेक्टिव टूल्स ले लेना, एंड भाई आपको जहाँ भी काला लगता है ना भाई, आप लोग सेलेक्ट करके क्या कीजिएगा, ऐसे सेलेक्ट कर लेना एंड यहाँ पे हल्का सा ब्राइटनेस को इनक्रीज कर देना, ठीक है ना। इससे मतलब हमारा फेस कितना एकदम मस्त तरीके से बराबर में आ जाएगा, और अगर भाई जहाँ पे वाइट है ना और कहीं कहीं पे ब्लैक रहता है तो ब्लैक पे सेलेक्ट करना एंड यहाँ पे हल्का सा ब्राइटनेस को इनक्रीज कर देना, ठीक है ना। इससे मतलब हमारा फेस बराबर में आ जाएगा एंड यहाँ पे वाइट भी हो जाएगा, एंड यहाँ पे कितना कॉल आ रहा भाई, ठीक है ना, इसको इग्नोर कीजिएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। एंड यहाँ पे भाई आप लोग भी ऐसे ही मस्त तरीके से यहाँ पे कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, हाँ आप लोग मतलब लास्ट में देखिएगा भाई कितना एकदम गजब का पिक बनता, और मेरे से बेहतर करने की कोशिश करो, ठीक है ना। क्या करना, मेरे से बेहतर करने की कोशिश करो, बस मैं आप लोगों को बताता हूँ, चलना आप लोगों को ही है। ओके, एंड इस पिक को यहाँ पे सेव कर लेते हैं, एंड भाई सेव करने के बाद मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताऊँगा, ठीक है ना। ओके, ये देख पा रहे होंगे भाई रिमनी एप्लीकेशन, भाई इसका मतलब इतना एकदम हाई क्वालिटी में इतना HD, अगर HD करके एडिटिंग करोगे ना, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ इसका कमाल क्या, ठीक है ना। रिमनी एप्लीकेशन का कमाल मैं अभी दिखाता हूँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है ना, पहले ये कमाल देख लेना, ठीक है ना। इसमें क्या करना, शेयर कर देना रिमनी एप्लीकेशन में, एंड यहाँ पर शेयर करने के बाद आप लोग कुछ यहाँ पर वेट करिएगा, कुछ सेकेंड यहाँ पर वेट करना, और यहाँ पे इनहेंस पे क्लिक करना, ठीक है ना। यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ, एंड यहाँ पे रुको, यहाँ पे देख क्या करना, इनहेंस पे क्लिक कर देना, एंड यहाँ पे कुछ सेकंड आपको क्या करना भाई, वेट करना, ठीक है ना। एंड एक छोटा सा ऐड आएगा, इसको क्या करना, फुल वॉच करना, एंड यहाँ पे फुल वॉच करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो भाई, देख सकते हो हमारा फेस, देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई कलर भी चला गया, कितना एकदम कलर पीछे का, मतलब फेस तो मतलब ठीक हो जा रहा है, यहाँ पे पीछे का कलर चले जा रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कलर्स पे क्लिक कर देंगे, एंड यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, ओरिजिनल वाले पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो हमारा फेस भी मतलब एकदम HD हो गया, एंड वो कलर भी नहीं गया, ठीक है ना। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे देख सकते हो कितना HD हो गया, ठीक है ना। अगर आप लोगों का कलर का ऑप्शन नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे लाइटरूम एप्लीकेशन में हम लोग सही कर देंगे, अगर कलर्स का ऑप्शन नहीं है, अगर मतलब पैसा मांग रहा है तो आप लोग टेंशन ना लो, वो कर ही लेना, ठीक है ना। जैसे भी हो रिमनी मतलब कर ही लेना, ठीक है ना। एंड इतना करने के बाद हम लोग इस पिक को सेव कर लेंगे, एंड यहाँ पे शेयर कर देंगे सीधे लाइटरूम एप्लीकेशन में, ठीक है ना। ओके, एंड भाई बिना अगर बैकग्राउंड पे कलर चले भी जाता ना तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो अगर कलर्स का ऑप्शन है तब तो कर ही लेना रिमनी एप्लीकेशन में, ठीक है ना। ओके ओके, एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई ये प्रीसेट है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो ये प्रीसेट है, ठीक है ना। ये मतलब हमारा पिक है, ये प्रीसेट है, ठीक है ना। इसको क्या करना भाई, वही करना जो हम लोग फर्स्ट में किए थे, कॉपी करना एंड यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना, यहाँ पे कॉपी सेटिंग करना एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना। यहाँ पे कॉपी के पहले कर लेते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अपने पिक पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। और जितना भी कलर गया होगा ना वो सारा कलर आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब, यहाँ पे फेस वाइट कितना हो गया एंड यहाँ पे कलर कितना एकदम टोन में आ गया, ठीक है ना। एंड भाई कितना एकदम मस्त तरीके से हो गया, अभी मस्त कहाँ हो भाई, अभी तो ये ट्रेलर है, ठीक है ना, फिल्म अभी बाकी है भाई। एकदम मस्त तरीके से यहाँ पे CV फोटो एडिटिंग करने वाले हैं ना हम लोग, तो सेव कर लेते अपने पिक को। एंड भाई अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट काम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, स्केचबुक एप्लीकेशन में शेयर कर देंगे अपने पिक को, ठीक है ना। ये देख सकते हो यही पिक है ना हमारा, इसको क्या करने कर लेंगे भाई। ओके, यहाँ पे स्केचबुक एप्लीकेशन में ओपन कर लेना इस पिक को, मतलब शेयर कर देना स्केचबुक एप्लीकेशन में। एंड भाई शेयर करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा ना, पहले हम लोग कपड़ा कलर करें या नहीं, पहले हम लोग फेस स्मूथ करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग फेस स्मूथ करते हैं, और आप लोगों को मैं कपड़ा कलर कैसे करता है वो सब बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे ब्रश पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा मैं कौन सा ब्रश यूज करता हूँ अपना फेस स्मूथ करने में, ठीक है ना भाई। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देन मैं यहाँ पे आप लोगों को मैं सेटिंग यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को क्या करना, आप लोगों को कितना सेकेंड सेटिंग रखना है। एंड भाई यहाँ पे मतलब ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, स्किप मत कीजिएगा भाई। अगर वीडियो को अगर स्किप करके देखे हो तो शुरू से जाकर देखो, तब आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना।
ओके एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना एकदम मस्त तरीका से मतलब हमारा फेस स्मूथ हो रहा है। एंड यहाँ पे मैं वीडियो को फास्ट करने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना, बस आप लोगों को मैं बारीकी से बताने वाला हूँ। तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, यहाँ पे साइज को बड़ा छोटा करके आप लोगों को क्या करना, अपना फेस स्मूथ कर लेना, यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे भाई मैं कर रहा हूँ, एंड आप लोग भी ऐसे ही कर लीजिएगा। एंड भाई आपको फेस स्मूथ करने का मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना, आपको मतलब जितना जूम हो सकता ना आप लोग जूम करके और जितना मतलब अपने साइज को अपने हिसाब से कर लेना, एंड अपने फेस को मतलब यहाँ पे स्मूथ करना, ठीक है ना। यहाँ पे मैं जैसे कर रहा हूँ तो भाई आप लोग भी ऐसे ही मतलब फेस स्मूथ कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे मैं वीडियो का स्किप करने वाला नहीं हूँ, आप लोगों को मैं अगर पूरे दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। अगर मेरा मन होता तो मैं यहाँ पे स्किप भी कर देता, मतलब फास्ट कर देता वीडियो को, मतलब फास्ट नहीं किया हूँ आप लोगों के लिए, बस आप लोगों के लिए मैं फास्ट नहीं किया हूँ कि भाई मेरा भाई एकदम अच्छा से मतलब समझ में आएगा, ठीक है ना। एंड भाई यहाँ पे देख सकते हो आप सभी के सामने में कितना एकदम मस्त तरीका से मतलब हमारा फेस स्मूथ हो रहा है। एंड भाई आप लोग भी ऐसे ही मस्त तरीके से अपना फेस स्मूथ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और भाई जो भी दिक्कत होता है ना भाई कमेंट बॉक्स है उसमें भर दो, ठीक है ना, उसमें मतलब ये दिक्कत भाई, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, मतलब जो भी दिक्कत है मैं सबका सलूशन लेके आऊँगा, ठीक है ना भाई, ठीक है ना। आप लोग मैं वादा किया हूँ ना भाई एडिटिंग करके मैं आप लोगों को सिखा के रहूँगा, ओके। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई हमारा फेस स्मूथ ऑलमोस्ट यहाँ पे होने वाला है। एंड भाई एकदम आसान तरीका है ना एडिटिंग, बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना, बस जिसको समझ में आ गया भाई वो मतलब एडिटिंग कर लेगा, ठीक है ना। बट आप लोग अगर देखो समझ में नहीं आया होगा ना तो आप लोग दोबारा देखो वीडियो को, क्या करना है दोबारा देखो भाई। ये अगर एक बार समझ में नहीं आता ना तो ये वीडियो को अगर दोबारा देखोगे ना भाई आपको सेटिंग मतलब दिमाग में बैठ जाएगा, एकदम समझ में आएगा भाई। मेरा स्टेप फॉलो करो भाई, देखो ये मतलब इन सब चीज़ों से मैं गुजर चुका हूँ। एंड आप लोग को मैं एक टिप्स बता रहा हूँ, इस वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है ना, आप लोगों को मतलब 100% आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार नहीं दो बार वीडियो को देखो, मस्त तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, ओके। एंड यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट यहाँ पे हो ही गया। एंड यहाँ पे हम लोग हैंड भी यहाँ पे क्या करते हैं भाई स्मूथ कर लेते हैं, ठीक है ना। एंड आप लोगों को भी हाथ को स्मूथ कर लेना एकदम मस्त तरीके से यहाँ पे जैसे मैं कर रहा हूँ, एंड आप लोगों को भी कर लेना, ओके ओके। एंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे होने वाला, एंड उस हैंड को भी भाई स्मूथ करना है ना अभी, तो अभी भाई वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ओके, स्किप नहीं करने का, वीडियो को फुल वॉच करने का, तभी आप लोगों को समझ में आने का, ओके। वैसे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, स्किप मत करना, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। हाँ सही बता रहे हो भाई, बोलते बोलते इतना थक जाते हैं ना आप लोगों के लिए, मतलब आप लोग मतलब सपोर्ट दिखाते ही नहीं हो भाई, सपोर्ट थोड़ा सा दिखाओ तब ना मुझे भी मज़ा आएगा। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो भाई फेस स्मूथ हो गया। एंड इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे कपड़ा भी कलर कर ही लेते हैं, ठीक है ना। इसके लिए यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे, एंड यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। एंड यहाँ पे एक लेयर क्लिक कर दिए, लेयर बन जाएगा, एंड लेयर पे क्लिक कर देना। इसका ब्लेंडिंग मोड क्या करेंगे भाई, मल्टीपल रख लेंगे, ठीक है ना, सिंपली यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे रख लेंगे। एंड भाई यहाँ पे मैं जो ब्रश आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एंड वही ब्रश आप लोगों को क्या करना भाई सेलेक्ट करना, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई ये ब्रश ले रहा हूँ, आप लोग भी यही ब्रश ले लीजिएगा। एंड यहाँ पे साइज को कुछ इस टाइप से बढ़ा लीजिएगा, एंड यहाँ पे अपने टी शर्ट पे अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ हाथ पे नहीं करना, बस बॉडी पे नहीं करना, ठीक है ना, अपने मतलब कपड़ा पे ही अप्लाई करना, एकदम कितना गजब का मतलब सी बी टाइप में मतलब हमारा फोटो हो रहा है, ठीक है ना, देख पा रहे होंगे आप लोग। और मस्त तरीके से यहाँ पर मैं करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, एंड यहाँ पे एकदम मस्त तरीके से यहाँ पे मैं यहाँ पे भी फास्ट नहीं करने वाला हूँ आप लोगों को, मतलब बारीकी से मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना, कहीं पे भी फास्ट नहीं किया हूँ इस वीडियो में, बस आप लोग मतलब आप लोग ना फास्ट हो जाना, ठीक है ना, आप लोग ना फास्ट हो जाना, आप लोगों को फास्ट नहीं होना, आप लोगों को मतलब बारीकी से देखना, भले कि दोबारा देखना है वीडियो को, दोबारा देखो, एक बार नहीं हुआ दो बार देखो, ठीक है ना, इससे मतलब भक खुल जाता है, सेटिंग मतलब आपको सारा दिमाग में बैठ जाता है। एंड भाई यही सेटिंग अगर आप लोग याद रखोगे ना तो भाई आपको मतलब हार्ड एडिटिंग करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। और भाई मेरा वीडियो मतलब मेरा वीडियो सबसे यूनिक रहता है, क्योंकि भाई मैं जो भी बताता हूँ वो क्लियर बताता हूँ, कोई मतलब फेक नहीं बताता हूँ, आप सभी के सामने में जो भी बताता हूँ वो एकदम रियल बताता हूँ, ठीक है ना। बट भाई आप लोग सपोर्ट ही नहीं दिखाते हो भाई, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार अपने भाई को, लाइक शेयर कमेंट करो, एंड भाई एक प्यारा सा कमेंट कर ही देना। एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, मुझे पता है कि वीडियो को अभी लाइक नहीं किया और वीडियो देख रहे हो, क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को भाई सब्सक्राइब कर ही लेना, ठीक है ना, इससे मतलब हमारा वीडियो जो भी आएगा ना आप सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। एंड आप लोग एडिटिंग करना एकदम मस्त तरीके से मेरे जैसे, और इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे तबाही मचाने का, ठीक है ना, ओके। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे ऑलमोस्ट नहीं बोल सकते क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा डार्लिंग, मतलब हम लोग सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है ना, ओके। एंड यहाँ पे एकदम मस्त तरीके से भाई आपको क्या करना, अपने
अपने कपड़े को अप्लाई करना है, मतलब कपड़े पे कलर अप्लाई करना है, ओके, एंड वीडियो को स्किप नहीं करना है। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ एंड इतना बारीकी से समझा रहा हूँ, एंड आप लोग भी ऐसे ही कर लीजिएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे होने वाला है, ओके, तब देखिएगा भाई कितना एकदम गजब का मतलब पिक हो जाता है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आप लोग मतलब अच्छा से कीजिएगा, थोड़ा सा समय देकर कीजिएगा, बस मैं भाई आप लोगों कितना बताऊँ, चलना आप लोगों का ही है, ठीक है ना, चलना तो आप लोगों को ही है, मेरी मुझे नहीं। एंड यहाँ पे चश्मा पे भी कलर कर ही लेते हैं साथ ही साथ। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे होने वाला है, बस आप लोग हल्का सा वेट कीजिएगा। एंड भाई इतना करने के बाद ना यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधे इस पिक को सेव कर लेना अपनी गैलरी में। यहाँ पे 3 डॉट पे जाएंगे, शेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव टू डिवाइस कर लेंगे, ठीक है ना, ओके। एंड भाई सेव करने के बाद यहाँ पे स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे, ठीक है ना, ये देख सकते हो स्नैपसीड एप्लीकेशन का। एंड यहाँ पे आपको टूल्स पे क्लिक कर देना, यहाँ पे टूल्स पे क्लिक कर देना। एंड यहाँ पे आपको क्रप्स पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आपको रेड सेलेक्ट कर लेना। एंड यहाँ पे ये जो ना ग्राफिक, इसको हल्का सा ऊपर कर दीजिएगा, हल्का सा ऊपर, उतना ऊपर नहीं करना, हल्का सा ऊपर करके यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। एंड यहाँ पे हम लोग लिप्स को रेड कर लेते हैं, यहाँ पे ब्रश पे जाएंगे एंड यहाँ पे सैचुरेशन पे क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे देख सकते हो, सैचुरेशन पे आप लोगों को क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको लिप्स पे अप्लाई कर देना, ठीक है ना। तो भाई हमारा एडिटिंग हो गया खत्म, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितना गजब का मतलब एडिटिंग हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे एंड होता, ठीक है ना।